मिसेस डिसूजा, देखिए आप घबराइए मत, हम हैं ना आपके साथ। देखिए आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, आपके बेटे के हत्यारे को सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन संस्कृति भी तो हमारी बेटी की तरह है, अपने बेटे के न्याय के वास्ते हम उसके साथ अन्याय कैसे कर सकते हैं? और फिर इस घर के साथ हमारा इतने सालों का नाता है, इस घर ने आज तक हमें इतना कुछ दिया है, हम इस परिवार के साथ बेवफाई कैसे कर सकते हैं? बेवफाई? बेवफाई आप नहीं मिसेस डिसूजा, ये परिवार आपके साथ कर रहा है। पूरी जिंदगी आपने इस परिवार में लगा दी, अब इस परिवार की बारी है आपका कर्ज चुकाने का। जब संस्कृति को कोई एतराज नहीं है तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं? जब संस्कृति सच के लिए अपने परिवार से लड़ सकती है तो आप क्यों नहीं मिसेस डिसूजा? देखिए मिसेस डिसूजा, सच ईश्वर होता है और सच के साथ कभी भी बेवफाई नहीं होती। आप हिम्मत रखिए। देखिए आप पुलिस स्टेशन चलिए, संस्कृति को हम लेकर आएंगे और आप दोनों का बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। संस्कृति, संस्कृति कहाँ चली गई? मम्मी जी, मम्मी जी। अरे प्रार्थना, इतनी परेशान क्यों? मम्मी जी संस्कृति घर में नहीं है, आपने कहीं उसको देखा है? नहीं तो क्यों, वो अपने रूम में नहीं है क्या? प्रार्थना, थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। तराना भाभी, तराना भाभी, आपने संस्कृति को देखा है? देखो डार्लिंग, जिसे हमारी परवाह नहीं है उसकी परवाह हम भी नहीं करते। वो कहाँ है कहाँ नहीं है, आई रियली डोंट केयर। प्रार्थना, तुम तो उसे जानती हो, जिस तरह दिन में 20 बार कपड़े बदलती है, बस अपना दिमाग भी उसी तरह बदलती है। Only God knows where she is. विशाल, तुम्हें पूरा यकीन है ना कि रियो ने ही संस्कृति को? अरे प्रार्थना, कहाँ थी तुम? प्रार्थना, बहुत नाराज हो मुझसे प्रार्थना। वो कल रात मैंने जिस तरह बिहेव किया उसके लिए I'm really very sorry. अक्षय, संस्कृति घर में नहीं है। हमने विशाल भैया और तराना भाभी को कहते हुए सुना है कि मैंने कहा था ना संस्कृति पर विश्वास मत करो। अरे उसे खुद नहीं मालूम कि अगले मिनट वो कैसी होगी। अब देख लो, बड़ी बड़ी बातें करके चली गई ना वो इस सब से दूर। लेकिन अक्षय, हमें लग रहा है कि प्रार्थना, प्लीज प्लीज अब तो समझो, अब तो मानो कि सबसे पहले अपनी लाइफ संभालो, बाद में दूसरों की। और वैसे भी ये संस्कृति का अपना पर्सनल मैटर है, तो उसे ही हैंडल करने दो ना। प्रार्थना, दूसरों के लिए तुम अपनी खुशियां क्यों मिटा रही हो? दूसरों के लिए हमारी इस छोटी सी दुनिया को मत बिखरने दो।
प्रार्थना अभी तक संस्कृति को लेकर आई क्यों नहीं? ये इधर उधर देखने से कोई फायदा नहीं है, कोई नहीं आएगा, क्योंकि इन बड़े नाम वाले लोगों की असलियत को हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये तुम जैसे गरीब लोगों के बारे में कुछ नहीं करेंगे, इसलिए मजे में घर जाओ और आराम से सो जाओ। जब हमने तराना भाभी और विशाल भैया की ये बात सुनी है, तब से हमें ये शक हो रहा है मम्मी जी की प्रार्थना, तुम्हारा शक सही भी हो सकता है। ठकराल खानदान के मर्दों को से ज्यादा और कौन पहचान सकता है? रियो और विशाल संस्कृति को कभी सच नहीं बोलने देंगे। अपना नाम, अपनी इमेज बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। संस्कृति के साथ मतलब ये कि संस्कृति कहीं गई नहीं है, उसे ले जाया गया है। And I'm sure, रियो और विशाल इसके पीछे कुछ भी करके तुम्हें प्रार्थना, तुम्हें संस्कृति तक पहुंचना होगा। वो नहीं आएगी तुम तक, क्योंकि संस्कृति तुम तक कभी पहुंच ही नहीं सकती। दिन भर तुम्हारा मसाज करता रहूंगा, गो एंड टेक रेस्ट। देखो तुम्हारी इतनी बुरी हालत है तो मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, ओके? वन सेकंड। रियो, मुझे अपने कमरे तक ले जाओ। हाँ, मेरे से अकेले नहीं जाया जाएगा, प्लीज जस्ट होल्ड माय हैंड, जस्ट गिव मी योर हैंड, प्लीज, कम ऑन, गेट अप, कम ऑन, जस्ट बी गुड टू मी, गॉड, ओ माय गॉड, या सॉरी, रॉन्ग नंबर। प्रार्थना, कुछ काम बना? मम्मी जी, 20 नंबर में से 16 नंबर हमने ट्राई कर लिया, संस्कृति का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ये 4 नंबर डायल करके देखते हैं। हाँ, करो, जल्दी करो। हेलो, होटल रॉयल गार्डन, हाउ कैन आई हेल्प यू? I'm calling from Thakral House. Ranbir Thakral की सेक्रेटरी बोल रही हूँ। देखिए, आपके होटल में जो रूम बुक किया गया है उसका नंबर हम भूल गए हैं, और हमारे बॉस को हमें बहुत अर्जेंटली रिपोर्ट करना है, तो प्लीज़ कैन यू हेल्प मी आउट? क्या आप हमें वो रूम नंबर दे सकती हैं? ये हमारी नौकरी का सवाल है, यू नो ना हाउ बॉसेज आर। जस्ट अ मिनट। Yes, ma'am. Room number 303. Thanks. Thanks so much. Mummy ji, Sanskriti ka pata chal gaya. Nahi khana mujhe. Le jao ye sab kuch yahan se. Kyun laaye ho mujhe yahan pe? Hey baby, chillane ka nahi. Aaram se idhar 5-star hotel mein rehne ka. Holiday manane ka. Kya? Kaun ho tum log? Kisne bheja hai tumhe yahan? Kyun kidnap kiya hai mujhe? Ye batana koi zaruri nahi hai. धीरे धीरे सब पता चल जाएगा, समझे? प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज हेल्प मी। भाई, अभी हम आए ना, अब जाओ भाई, अपुन संभाल लेगा इस चिड़िया को। ठीक है। छोड़ूंगी नहीं तुम लोग को, पुलिस में जाऊंगी। ये चुपचाप बैठ, ज्यादा चिल्लाई ना तो भेजा उड़ा दूंगा। रियो, मैं होटल जा रहा हूँ। क्यों, एनी प्रॉब्लम? संस्कृति कोई प्रॉब्लम से कम है क्या? किराए के बदमाशों के नाक में दम करके रखा है, मुझे ही देखना होगा। प्रार्थना होटल के लिए निकल चुकी है और अब विशाल भी वहां पहुंच जाएगा।
अगर विशाल ने प्रार्थना को वहां देख लिया तो गॉड, ये लोग तो रूम के सामने खड़े हैं। हम क्या करें? कैसे जाएं संस्कृति के पास? Excuse me. Yes, sir. रूम नंबर 303 कहाँ है? क्या करें? कैसे हटाएं इन्हें यहां से? कुछ तो करना ही पड़ेगा। फायर अलार्म? सर सर, फायर अलार्म ऑन हो चुका है। कहीं आग लगी, ऐसे में लिफ्ट यूज करना रिस्की हो सकता है सर। वो मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन मेरा ऊपर जाना बहुत जरूरी है। सर प्लीज, सर प्लीज कॉपरेट। सर प्लीज मूव फ्रॉम हियर, लेट मी गो ऑन टॉप। सर प्लीज, रूल्स आर रूल्स, ये हमारी सेफ्टी के लिए, प्लीज कॉपरेट विद अस प्लीज। सारन की आवाज सुनाई नहीं देती क्या? चलो जल्दी करो, होटल में आग लगी है। ए रुको, इसे हम लेके जाएंगे। जाओ तुम दोनों बाहर जाकर देखो रास्ता साफ है या नहीं। अगर ऐसे गए तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। चलो जल्दी करो। वो भागे साहब। क्या हुआ तुम्हें? संस्कृति कहाँ है? साहब वो भागे साहब। साहब कोई दूसरी लड़की अकेली आई थी साहब। दूसरी लड़की? कौन दूसरी लड़की? प्रार्थना साहब, प्रार्थना नाम है साहब। एक मामूली लड़की से मार खा के आ गए। जाओ गेट पे जाके खड़े हो जाओ। होटल से बाहर जाने का वही एक रास्ता है। हाँ बोलो विशाल। रियो, रियो संस्कृति भाग गई। What? वो अगर हमारे हाथ से निकल गई तो हम सब खत्म हो जाएंगे। उसको पकड़ो तुम। Thank you.
गॉड प्लीज प्लीज हेल्प प्रार्थना। पता नहीं उसे संस्कृति मिली भी होगी या नहीं, फोन भी तो नहीं किया अब तक। अक्षय। सु, क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हैं? अक्षय प्रार्थना। प्रार्थना? अक्षय प्रार्थना कहाँ है? प्रार्थना अपने रूम में होगी या तो फिर बनो मत। अक्षय तुम्हें पता ना हो, ये हो ही नहीं सकता। कम ऑन रियो, आई एम टेलिंग यू ना, मैं तो अभी अभी आया हूँ। तो तुम सु, तुम तो घर में ही थी ना, तुम्हें तो पता होगा कि प्रार्थना कहाँ है। लेकिन रियो प्रॉब्लम क्या है? प्रार्थना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रार्थना, और जब से इस घर में आई है हम सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। तुम हर बात के लिए प्रार्थना को ही ब्लेम क्यों करती हो? क्योंकि डार्लिंग वो काम ही ऐसे करती। पूछो रियो से, पूछो, बताइए ना। वो मिडिल क्लास लड़की में इतनी हिम्मत हो गई है कि वो हमसे ठकराल से टक्कर ले रही। उसी ने तो संस्कृति को छुड़वा लिया वहां से, और अब संस्कृति प्रार्थना के साथ है। कीमत मांगते वक्त तो मुंह खोल के मांगते हो और इतना सा काम नहीं करते। एक लड़की से मार खा के आ गए, अब खड़े खड़े मेरे मुंह क्या देख रहे हो? जाओ ढूंढो उसे। वो बाहर नहीं गई है, मतलब होटल के किसी कोने में छुपी होगी। होटल का कोना कोना ढूंढो, मुझे वो लड़की किसी भी कीमत पे चाहिए। सर यहाँ पे कोई आग नहीं लगी है, अलार्म ऐसे ही गलती से बज गया था। प्लीज प्लीज आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, फायर अलार्म गलती से ऑन हुआ था। देखिए यहाँ सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, यू डोंट हैव टू वरी। अपने रूम पे वापस चले जाइए प्लीज। दो लड़कियां थी, आर यू श्योर? संस्कृति क्या? विशाल भैया, चलो यहां से। प्रार्थना आओ इधर। एक्सक्यूज मी, देखिए वो लोग हमें परेशान कर रहे हैं, गलत फायर अलार्म का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, शरीफ लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। यही मैनेजमेंट है आपका, आप कुछ कर नहीं सकते? जानते हैं हम कौन हैं? प्रेस रिपोर्टर्स, धज्जियां उड़ा देंगे आपके होटल की, रोकिए उन्हें। रुकिए, ये क्या बदतमीजी है? What? Guards, hold them. कोई भी अगर आगे बढ़ा तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? I know, आप जैसे लोगों का यहाँ क्या काम होता है? Just shut up, okay? चलो वहां चलते, वहीं से कहीं निकल जाएंगे, फिलहाल तो हमें यहीं रुकना पड़ेगा। चलो उन हायर किए गुंडों को ब्लेम करने से क्या होगा विशाल? मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था, उन पर नहीं। इतना छोटा सा काम नहीं कर पाए तुम। I'm sorry, Rio. लेकिन उस प्रार्थना ने जस्ट फॉरगेट हर राइट नाउ।
पहले हालात संभालो इससे पहले कि बाजी हमारे हाथ से पूरी निकल जाए. Got it? Okay. हाँ बोलो. पकड़ाया नहीं अब तक उन दोनों को. क्या? लॉबी के कैमरा रिकॉर्डिंग में देखा था. इसका मतलब ये कि वो दोनों अब तक होटल में ही है. दूसरी लड़कियां प्रॉब्लम दे रही है. मैनेजर भी. ये सब मैं नहीं जानता. मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे संस्कृति और प्रार्थना ये दोनों लड़कियां किसी भी कीमत पर चाहिए. इसके लिए तुम्हें चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े. अंडरस्टैंड? दीज गाइस आर